अपनों का ये VFS वाली पार्किंग पे सीधे सीधे एंट्री है यहाँ से, ये लिफ्ट है जो ऊपर ले जाएगी मॉल चाय टाइप की जो बिल्डिंग है वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, 0 फ्लोर, वहाँ से बाहर निकल के फिर VFS जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मास्क मैंडेटरी है अभी, और मास्क ज़रूर लेके आइएगा नहीं तो आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये VFS जो है ये शिवाजी मेट्रो स्टेशन के अंदर ही है, तो वहाँ पर -1 फ्लोर पर ही सारा कैनेडा और बाकी कंट्रीज का भी काम होता है। लिफ्ट खुल गई है, ये हम लोग का तीसरी बार आना हो रहा है, 0 तीसरी बार आना हो रहा है VFS। पहली बार आए थे जब हमें बायोमेट्रिक देना पड़ा था, दूसरी बार पासपोर्ट रिक्वेस्ट जब आए थे तो पासपोर्ट सबमिट करने गए थे क्योंकि इन पर्सन सबमिट किया था, कोरियर नहीं ऑफ किया था, और अब हम लोग पासपोर्ट पिक करने जा रहे हैं। पासपोर्ट मिल चुका है, अभी कार में बैठ के कहीं मतलब खोल के देखेंगे या घर जाके ही देखेंगे कि स्टैंपिंग होती है वो दिखती कैसे है। हम लोग घर पहुंच गए हैं और अपनी जो है पासपोर्ट देख लिए, स्टैंपिंग जो है वो हो चुकी है, जरूरत की चीज़ें ब्लर कर दी होंगे मैंने, अगर नहीं करें तो इग्नोर कर देना। तो अब हम लोग रेडी हैं, लगभग 90% 95% रेडी है जाने के लिए, अब सिर्फ बची हुई है फ्लाइट्स, अब वो जैसे ही होती है। हाँ एक चीज़ और है, इसके बाद आज ही मुझे निकलना है, एक और चीज़ अप्लाई करनी है जो कि होता है इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट, तो वो वीज़ा आने के बाद मतलब स्टैंपिंग आने के बाद ही आप जाके ले सकते हो। तो उसका क्या प्रोसेस है वो मैं बताऊँगा डिटेल में अगले वीडियोज़ में, बट अब मुझे निकलना है अपना वो IDP लेने के लिए। आगे उसने भेजा और 10 मिनट बाद ही हमारे पास IDP आ गया, तो मैं आपको अभी IDP दिखाता हूँ। ये है IDP, दो पेज का होता है, एक पेज ये है एक पेज पीछे भी है ऐसे जैसा। तो इस IDP में जैसे मैंने बताया कि वीजा नंबर नहीं मांगा था, तो IDP में वीजा नंबर और कंट्री का नाम नहीं लिखा हुआ है, जो कि कई लोगों के में लिखा भी रहता है, बट फिर मैंने पता किया तो वो ये कह रहे हैं कि वैलिडिटी इंपॉर्टेंट होती है, वीजा नंबर और कंट्री उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसके बिना भी चल जाएगा क्योंकि कई कंट्री ऐसी होती है जो वीजा ऑन अराइवल भी देती है, तो उस टाइम पर हमारे पास नंबर होता भी नहीं है, लेकिन IDP की वैलिडिटी है तो ये चल जाएगा। आज है 6 तारीख और सॉरी 5 है, और ये जितना 4 साल में जितना भी सामान जोड़ा ये सब हो गया है पैक, और ये अमेजिंग सा घर जिसमें न जाने कितनी पार्टी हम लोगों ने करी है, ये बढ़िया सा व्यू, ये सब अब छूटने वाला है, सामान पैक हो गया है पैकर्स एंड मूवर्स के थ्रू, अभी सब लोड होगा और हम निकल लेंगे दूसरी जगह सामान को रखने के लिए, और हमारी टिकट जो है वो कल हो गई है, तो अब हमें फाइनली जो निकलना है यहाँ से वो निकलना है 9 तारीख को 1:20 1:20 AM पे हमारी एयर फ्रांस की फ्लाइट है, उससे निकलना है। तो जब सब कुछ डिसाइडेड है तो घर को छोड़ना ही था, बुरा लग रहा है लेकिन। हाँ जी रेडी, कैसा लग रहा है घर छोड़ के? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी, अनप्लान्ड। तो पूजा के घर में हम लोग जैसे शिफ्ट हो गए थे उस दिन, और आज हमारा है फ्लाइट का दिन, तो पूजा के रूम में लग के लिए ग्राउंड फ्लोर है पूरा खाली है, एक रूम उस तरफ भी है उसमें सेट हो गए थे, ये फाइनल पैकिंग चल रही है पूरी, ये हम लोगों ने वैक्यूम करके इस पूरे बैग में मेरे सारे ही कपड़े आ गए हैं वैक्यूम करके, एक नीचे बड़ा बैग है एक ऊपर मीडियम वाला है, ये हम लोगों ने इसमें बर्तन रखे हुए हैं सारे बबल रैप करके, अब धीरे धीरे ग्रोसरी भी जो है वो हम लोग सेट कर रहे हैं, पूरी लिस्ट बनी हुई है क्या क्या हो गया क्या क्या नहीं हुआ। आज रात में हमें 8 बजे के आसपास निकलेंगे एयरपोर्ट, और करीब 9:30 तक पहुंच जाएंगे, 1:20 पे हमारी फ्लाइट है तो उस हिसाब से ही चलेंगे। अब 6 बज चुका है ऑलमोस्ट, थिंग्स सारी पैक हो चुकी हैं, और सबसे ज़्यादा दुख जिस चीज़ का होने वाला है मुझे, सबसे ज़्यादा नहीं मतलब बहुत दुख होने वाला है जिन दो चीज़ों का, मेरे दो अनमोल रतन जो हैं, पहली तो ये रही
ये मेरी गाड़ी अब मेरे से दूर होने वाली है। दूसरी ये मेरी बुलेट, दिख नहीं रही होगी सही से। पूरी तैयारी हम लोगों की हो चुकी है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा कैसा फील करना है, डर टेंशन बहुत समझ नहीं आ रहा। तो चलते हैं अभी एयरपोर्ट, 7:30 क्या टाइम हो रहा है, 8 बज गया ना, 8 बज गया, निकलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एक बैग अभी कम है तुम्हारे, ग्रे ट्रॉली एक आगे भी तो रखा था। हाँ हाँ इस दिन मेरी मॉम नहीं आई थी क्योंकि वो थी प्रयागराज में और मैंने ही उनको मना किया था दिल्ली आकर परेशान होने के लिए, तो मॉम को भी इस वीडियो का पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अब अपना बैगेज ड्रॉप करने के लिए आ गए हैं, बैगेज ड्रॉप ऑफ में। थोड़ा सा आंसू आंसू गिर गए हैं बाहर, तो थोड़ा माहौल सेंटी सा हो गया था, बट अब बस ये टेंशन है कि बैग हम लोगों के क्लियर हो जाए क्योंकि ड्रोन भी लेके जा रहे हैं, जैसा पूछा था उस तरह से ही लेके जा रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन थी, देखते हैं कैसा होता है। लाइन है ठीक ठाक से, एयर फ्रांस है जो यहाँ से पहले पेरिस जाएगी, उसके बाद आगे की हम लोग फ्लाइट पकड़ेंगे। लेट्स सी, तो हम लोगों का सामान जो है वो ड्रॉप कर दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले मुझे लग रहा था कि वजन बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो ग्रोसरी वाला बटन वाला आइटम है उसका वजन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो 23 केजी के दो बैग और एक 7 किलो एंड एक जो होता है वो 5 किलो, मतलब कि 12 किलो अंदर ले जा सकते हैं और 46 केजी चेक इन करा सकते हैं, तो यही लिमिट होती है। बट जो बैग्स थे वो 23.5 भी थे, कुछ शायद 24 का भी था एक, बट ये है कि हो गया, कुछ बोला नहीं, एक्स्ट्रा बैगेज का नहीं तो काफ़ी अच्छा खासा चार्ज लग जाता। मैं ड्रोन जो था वो चेक इन करा दिया क्योंकि उसमें ब्लेड्स थे और उसकी सारी बैटरीज वगैरह मैं केबिन लगेज में लेके आ गया हूँ। अब जाते हैं इंटरनेशनल इमिग्रेशन की तरफ, चेक इन चेक, इमिग्रेशन चेक, सिक्योरिटी चेक, एवरीथिंग इज डन। ड्रोन, हाँ स्पेशली ड्रोन, जितने भी गैजेट्स हम लेके जा रहे हैं, कैमराज वगैरह सब सॉर्टेड हो गया, क्लीनली स्मूथली सब पास हो गया। और अभी 11 बज गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खा पी ले, बर्गर शर्गर टाइप, फिर उसके बाद टाइम हो रहा है 12:04, 12:25 पे हमारी फ़्लाइट में एंट्री शुरू हो जाएगी। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ एक छोटे से ट्रिप पे जा रहे हैं, तो इसमें नहीं बोलूँगा कि ना तो छोटी है ना ट्रिप है, ये वर्क रिलेटेड ही है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो काम से ही जा रहा हूँ। अभी पता भी नहीं है, मैं बता भी नहीं सकता अभी कि कितना बड़ा जाएगा, बट हाँ कि हम तो 5 दिन की ट्रिप में भी खुश हो जाते हैं, ये 5 दिन से तो बहुत ज़्यादा की है। तो अब निकलते हैं सीधे, एक बड़ा वो है कि मतलब मन है कि एयर फ्रांस की जो फ़्लाइट खड़ी है उसके सामने जाके एक GoPro सेल्फी लेनी है, बट पता नहीं कि अगर वो जो सीढ़ी होती है जो सीधी फ्लाइट के अंदर दरवाजे पर छोड़ती है वो हुआ तब तो नहीं कर पाएंगे, बट अगर बाहर से गए तो वो भी क्लिक करेंगे। तो हम लोगों ने जो भी हैंड बैगेज लिए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इसलिए भी भरे हुए हैं क्योंकि उसमें एक्सट्रीम ठंड का सामान रखा हुआ है। एक्सट्रीम ठंड क्यों? क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर है कम से कम 20 या 25 दिन साल में -40 से नीचे जाता है वहाँ टेम्परेचर। अब इस टाइम जो वहाँ का टेम्परेचर है वो -16 -18 और मैक्सिमम टेम्परेचर -10 -8 इस तरह से रह रहा है,
बहुत ही एक्सट्रीम फ्लाइट रहने वाली है। सीधे फ्लाइट के अंदर ही जा रहे हैं, बाहर से फुट नहीं हो पाएगी। फिर हम बैठ गए आज की अपनी पहली फ्लाइट में, जो है दिल्ली से पेरिस, एंड टोटल 11 घंटे के आसपास लेगी। फिर हम पहुंच गए पेरिस। L21 to L53 है अपना। हम लोग आ गए थे यहाँ पेरिस में, लैंड कर गए, बट हम लोग के टिकट में, बोर्डिंग पास में कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि कौन से गेट पे हमें जाना है। तो ये जो मेट्रो आप देख रहे हो, ये शटल है यहाँ की। मैं काफ़ी कंफ्यूजन हो गया, इंटरनेट भी पहले कनेक्ट नहीं किया था, अभी तो कनेक्ट हो गया है, बट उसमें भी कहीं क्लियरली बता नहीं रहा है कहाँ जाना है। अब तो उसने स्कैन करके बता दिया ना, तो हाँ काफ़ी, मतलब एक दो लोगों से पूछा, वो भी यही कह रहे थे कि यहाँ पूछ लो वहाँ पूछ लो, फाइनली किसी ने स्कैन करके बताया कि कौन से गेट पर है। तो यहाँ पर 2E टर्मिनल पर हमें जाना था, बट 2E टर्मिनल में भी 3 गेट्स हैं, KLM और KLM, ऐसा नहीं बगल बगल में, ये पूरी ट्रेन पकड़ के, मेट्रो पकड़ के ही, शटल पकड़ के ही जाना होता है। तो हम लोग पहले तो M में पहुँच गए थे, और अब वापस आए हैं तो L में, क्योंकि वहाँ पर हमारी किसी ने हेल्प करी, स्कैन करके बताया कि L गेट पर हमें जाना होगा, L26। एक मिनट को तो टेंशन ही हो गई थी भाई क्या होगा, पर यह है कि अपने पास टाइम काफ़ी है, तो जो भी होता है किसी ना किसी से पूछ तो लेते ही। तो कहाँ हैं हम लोग? पेरिस। या अभी तक पेरिस हो रहा था, अभी पेरिस हो गया है। तो यहाँ पर फिर से हम लोगों को सिक्योरिटी चेक इन, मतलब कि सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह निकाल के फिर से चेक करवाने पड़े। यहाँ भी कोई इशू नहीं हुआ किसी बैटरी का, ड्रोन की बैटरी वगैरह का, सो ऑल गुड। अभी भी हमारे पास टाइम है, क्योंकि 10:10 पर फ्लाइट है, 9:25 आई गेस बोर्डिंग शुरू होगी, उसके पहले जाके फ्रेश वगैरह हो लेते हैं। तो कोई अगर पूछेगा कि हमने पेरिस में क्या क्या किया, तो फ्रेश होने के अलावा शायद कुछ नहीं किया। बट टू बी वेरी फ्रैंक, अपने इंडिया का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही आलीशान है।
यहाँ तक कि मेट्रो वगैरह भी जितनी इन्फॉर्मेशन अच्छे से हमें उसमें मिल जाती है, ब्लिंक हो रहा होता है, नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, और वहाँ पर हेल्प करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। वैसे यहाँ पर एकदम से आके लगा कि पता नहीं समझ पाएंगे हम लोग कि नहीं गए, मतलब कौन से गेट पर जाना है। और मेट्रो में जाने के बाद भी ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन से गेट से हमने बोर्ड की है, कौन से गेट को उतरना है, नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, कुछ भी डिस्प्ले नहीं था। क्योंकि बोर्डिंग जो है अब 15 मिनट में शुरू होने वाली है यहाँ से, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा एयरपोर्ट ही घूम लेते हैं, एयरपोर्ट मतलब ये अंदर से, क्योंकि फिर पता नहीं है ज़िंदगी में कभी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो पता नहीं है। देखते हैं क्या क्या हिसाब किताब है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अब हमारे ज़िंदगी से जेट ख़त्म हो गया है, फ्रेश होने जाते हैं वहाँ, जेट अब नहीं मिलेगा हमें जितने भी टाइम यहाँ पर हैं, उसकी भी आदत डालनी पड़ेगी। और जहाँ पहुँचने वाले हैं अभी, वहाँ जो लोग ऑलरेडी हैं मेरे कलीग्स, उनका आया है मैसेज कि -25 है आज का टेम्परेचर वहाँ पर, बहुत ही बवाल होने वाला है, डर लग रहा है कैसे मैनेज होगा, क्योंकि जैकेट्स तो हमारे -10 वाला ही है। देखते हैं, बस एयरपोर्ट से निकल के हमें अपनी लीमो पे लीमोजिन में बैठना है, वो हमें लेके जाएंगे, वहाँ के अपडेट आपको वहाँ देते रहेंगे कैसे क्या हो रहा है। आप सबके मन में आ रहा होगा, उसका शायद कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि आईफिल टावर देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे 3 घंटे हैं और हमें निकलने भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हमें किसी शहर में से निकलना होता है पहले तो 3 घंटे का हॉल्ट बहुत कम ही होता है, बट अगर हाँ 12-15 घंटे ऐसे है तो निकल सकते हैं, बट उसके लिए भी हमें ट्रांजिट वीज़ा अलग से लेना पड़ता है। एक डेढ़ घंटा तो हमें प्रॉपर लोकेशन पे आने में लग गया, सिक्योरिटी क्लियर करने में लग गया, तो नॉट पॉसिबल। बट हाँ, इस उम्मीद को मन में लिए हुए हैं कि आई थिंक जब हमारी फ्लाइट यहाँ से उड़ेगी अभी, हाँ, यस, अगला स्टॉप हमारा वैंकूवर है कनाडा में, वहाँ के लिए जब उड़ेगी तो होप कर रहे हैं हम लोग कि आईफिल टावर कहीं से तो दिख जाए, लेट्स सी कैसी किस्मत रहती है। KNL. KNL. The other side on your right, sir. Thank you. Welcome aboard. फिर हमने स्टार्ट की अपनी आज की सेकंड फ्लाइट, जो हमें लेके जाएगी पेरिस से वैंकूवर और लेगी करीब 11 घंटे।
हमें अपना वर्क परमिट लेने के लिए कंट्री की पहली एंट्री पर ही बॉर्डर ऑफिसर से मिलना होता है, तो हमारा कनाडा का पहला स्टॉप था वैंकूवर, तो हमें यहाँ से ही वर्क परमिट मिलेगा। कैमरे की तरफ देखो, देखते रहना। हाँ, हो गया। चार होंगे जितना को दबा के हम लोगों ने सारा वर्क परमिट वाला काम तो अब ख़त्म कर लिया है। जो आपको पर्ची दिखाई थी वो लेके हम लोग यहाँ पर इमिग्रेशन वाला जो सेक्शन था वहाँ गए, तो वहाँ से हमें वर्क परमिट जो है वो मिल गया है। वर्क परमिट आपको मैं एडमिंटन पहुँच के ही दिखाऊंगा, जितना भी दिखा सका। और पूजा का भी वर्क परमिट ही है। ये थी हमारी आज की आखिरी और तीसरी फ्लाइट वैंकूवर से एडमिंटन, जो लेगी करीब 1.5 घंटे। देश के देश बदल गए, कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट बदल गए, बट डेट अभी भी 9 नवंबर ही थी और शाम का बजा था 6। दिस इज एडमिंटन एंड इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। फिर हम पहुंच गए अपने नए देश के नए शहर एडमंटन में। आगे क्या कैसा रहा उसको देखेंगे अगले वीडियो में।